श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश बाड़ो सीधा वृंदावन से, हमारा YouTube का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका अभिनंदन है। नव वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, शुभ रहे, इसी कामना के साथ हम आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आज का विषय है वृश्चिक राशि 2024 का वर्ष पर, वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। पहले आपको वृश्चिक राशि की जो ग्रह स्थिति है वो बताते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र और बुध जनवरी महीने के शुरुआत में आपके लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य आपके सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, शनि चतुर्थ भाव में शश योग बना के बैठे हुए हैं, राहु पंचम भाव में मीन राशि में बैठे हैं, गुरु छठे भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये ग्रहों की स्थिति है, और केतु की जो स्थिति है वो आपके लाभ भाव में है, आपके कन्या राशि के तरफ। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहों की स्थिति है। अब वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। वृश्चिक राशि में नौ अक्षर आते हैं, तो न नी नू ने नो या यी और यू, ये अक्षर आते हैं। शुभ रंग इसका लाल और गुलाबी होता है, शुभ अंक इसका एक और नौ होता है, शुभ धातु इसकी तांबा होती है, इटालियन मूंगा लाल ऑनेक्स इसके रत्न होते हैं। आप मूंगा पहन सकते हैं या ऑनेक्स पहन सकते हैं। शुभ दिन इसका होता है मंगलवार, देवता होते हैं इसके हनुमान। ऐसे लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनको बहुत लाभ होता है। शुभ तारीख है इसकी 9/18/27। शुभ मास है इसके लिए चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़, जो मध्यम होते हैं महीने वो है श्रावण भाद्र अश्विन और माघ। अशुभ महीना होता है इसके लिए कार्तिक पौष और मार्गशीर्ष और फाल्गुन। व्यक्तित्व इसका कानूनविद बन सकते हैं, ये लिखापढ़ी वाले बन सकते हैं, संत बन सकते हैं, समीक्षक बन सकते हैं, ऐसे लोगों के स्तर का व्यक्तित्व होता है। सकारात्मक तथ्य होते हैं इसके बुद्धिमान, निडर, बिना किसी से डरने वाले, प्रकृति प्रेमी। इनके अंदर एक नेगेटिविटी होती है, वो होती है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, दूसरों को देख करके जलना। देखिए, वृश्चिक राशि राशि चक्र की आठवीं राशि है, इसका स्वामी मंगल देवता है। स्वभाव में जितना आंतरिक क्रोध चिड़चिड़ाहट रहता है, उतना ही शांति और संयम भी रखते हैं दोनों चीजें इसके अंदर। स्थितियां वातावरण अधिकतर आपके सोच विचार स्वभाव के विपरीत रहता है। सॉरी, मानसिकता से सोचकर भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। कामकाज के प्रति सजग होते हैं, गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, कार्य कुशलता बेहतर रखते हैं। स्वाभाविक कारणों से मित्रता विश्वास थोड़ा कम ही रहता है, और छोटी बड़ी बात का भी प्रभाव अधिक रहता है। चंचलता बस वैचारिक दृष्टिकोण थोड़े इनके बदलते रहते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। पश्चाताप दुख में रहते हैं। सहजता से आप राशि वालों को लोग सहयोगी समझ नहीं पाते, जिसका कारण व्यर्थ की धारणाओं को मन में बनाते हैं, व्यर्थ की धारणाओं का जन्म होता है। उनको मन विचारों से निकालना बहुत मुश्किल होता है, जो व्यर्थ की धारणा मन में बन जाती है। पारिवारिक प्रेम जवाबदारी पूरी तरह रखते हैं। स्पष्टता सत्यता और अपने कामों को बहुत ज्यादा ये लोग महत्व देते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। स्वयं का विश्वास बनने तक गंभीरता हठ धर्मिता नहीं बना पाते। योजना उद्देश्य लाभ को महत्व बहुत ज्यादा देते हैं, और अनिश्चितता में संयमित रहना इनके लिए कठिन हो जाता है। जब ये थोड़े परेशान होते हैं तो वहां इसे अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। योग्यता अनुभव के अधिकार रखते हैं। कार्य कुशलता समर्पण की स्थिति में स्वयं का प्रभाव रखते हैं, तथा परिणामों के बारे में ये आगे की नहीं सोचते, यानी फ्यूचर के बारे में ज्यादा ये विचार नहीं करते। आतंकित भयभीत एकदम से नहीं होते। मन दूसरों के प्रति लगन सद्भाव रखते हैं, अपने कर्तव्यों से उसे दर्शाते भी हैं, दिखाते भी हैं। विपरीत स्थिति विवाद में भी स्थिति अनुरूप एक दूसरे को बांधकर समझदारी दर्शाते हैं।
एकदम से अथवा जरूरी न हो तो कोई गुप्त कार्य गुप्त बात मन में ही रखते हैं। नजदीकी लोग इन्हें किन्हीं मामलों में आपसे भय दूरी रखते हैं, जवाबदारी सामाजिक पार्विक प्रतिष्ठा के प्रति गंभीर रहते हैं, परंपराओं में थोड़ा इनको विश्वास नहीं है, हमारे समाज की जो परंपराओं में विश्वास कम करते हैं, मगर जीवन में चमत्कार अनहोने के कारण फिर अंधविश्वास धारणाओं को मानते हैं, इनको तो मानते हैं। स्वयं का भी एक दर्शन उद्देश्य जीवन में इनके रहता है। ये वृश्चिक राशि वाले बहुत वफादार दोस्त हो सकते हैं और उसी समय ये बहुत खतरनाक दुश्मन बनने की भी क्षमता रखते हैं। दोनों चीजें इनके अंदर, ये दोस्त भी अच्छे हो सकते हैं और दुश्मन भी बन सकते हैं। बदला लेने और बदला पाने की इच्छा के रोगों में खून बनकर दौड़ता है। बदला क्यों लेते हैं कि जो वृश्चिक राशि है उसका मतलब होता है बिच्छू। अब बिच्छू को आप कितना भी प्यार करो वो साइड इफेक्ट यानी डंक तो मारेगा। तो यही जो एक जो दिक्कत है वो वृश्चिक राशि वालों के साथ होती है, ये डंक मारना नहीं छोड़ते। इतनी विस्मयकारी शक्ति और ऐसी नजरें इनके आसपास के लोगों को सम्मोहित कर देती है। ये तीव्र हावी क्रूर और प्रतिबद्ध होते हैं और अपने जीवन की लड़ाई अपने उत्सुक बुद्धि धैर्य और रचनात्मकता के साथ लड़ने के लिए अभ्यस्त हैं। निश्चित रूप से ये मिलनसार या उदार नहीं होते, लेकिन अपने लाभ के लिए जोड़ तोड़ करने वाले या षड्यंत्र करने वाले भी नहीं होते। दोनों चीजें इनके अंदर, ये उदार भी नहीं है और कोई भी किसी के प्रति षड्यंत्र नहीं रचते और कोई भी जोड़ तोड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनके लिए ये थोड़ी खूबी होती है। पहले बात करते हैं इनके स्वास्थ्य की। इनके स्वास्थ्य के लिए शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा इनके ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर। इसके कारण आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्पाइन यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुछ समस्या आपको होगी। जिनको अगर कोई दिक्कत है स्पैन के अंदर तो उनके लिए थोड़ा वर्ष बढ़िया नहीं है, क्योंकि शनि स्वयं वृश्चिक राशि को देख रहा है। आहार शुद्धि पर आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, जो खान पान अच्छा रखें। गुरु की छठे और पंचम भाव में दृष्टि के कारण गुरु आपका पंचम भाव में देख रहा है, पंचम भाव को गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है और गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर जाती है, सातवीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे जाती है और नौवीं जो दृष्टि है वो आपके परिवार के भाव पे जाती है, यानी अपने ही घर पे देख रहे हैं। तो यहाँ जो छठे घर में गुरु बैठा हुआ है ये कोई ना कोई थोड़ी सी आपको पेट में किसी रोग का परेशानी दे देगा, उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। इसके लिए जो राशि स्वामी मंगल देवता है वो जब मकर राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य में स्थिरता बिल्कुल रहेगी और वजन आप किसी तरह भी अपना बढ़ने ना दें, वजन बढ़ेगा तो आपको दिक्कत होगी। जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं अब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की। आर्थिक दृष्टिकोण से इस वर्ष आप काफी भाग्यशाली रहेंगे। शनि आपको रियल एस्टेट में अच्छी खासी सफलता देने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में शस नाम योग बना के बैठे हैं। चतुर्थ भाव में शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान ये आपको देने वाला है। अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। निवेश के माध्यम से आप बड़ा धन लाभ कमा सकते हैं। तो शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी है तो आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य भी आपका बहुत अच्छा प्रगति के रास्ते पर चलेगा। मई 2024 तक गुरु मेष राशि में रहेंगे। एक मई के बाद में ये वृष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके कारण आपको उधार देने और लेने से बचना चाहिए। गुरु स्थिति बढ़िया नहीं है, इससे आपको थोड़ा किसी को पैसा उधार ना दे और उधार किसी ले भी नहीं कोशिश करें इससे बचने की, तो आपको फायदा हो सकता है। केतु के 11वें भाव में हो रहा है केतु आपका। कुछ ऐसी आपकी जो इनकम सोर्स है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा और अचानक धन लाभ भी हो सकता है आपको। वहां केतु की स्थिति आपके धन लाभ में है, लाभ भाव में है, इनकम सोर्स के भाव में है, आपके बेनिफिट के भाव में है, आय के भाव में है, तो वहां पर आपको कई बार धन का लाभ भी हो सकता है और कई बार आपको वहां धन की हानि भी केतु करा सकता है। अगर आप पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की आपकी बात करते हैं, पारिवारिक जीवन इस वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि परिवार के भाव में बृहस्पति का अपना एक घर है, परिवार के भाव का जो स्वामी बृहस्पति है,
तो आप अपने परिवार पर काफी ध्यान देंगे, माता पिता आपका समर्थन करेंगे। हालांकि मार्च का महीना पिता की सेहत के लिए ठीक नहीं है, नया घर बनवाने का प्लान आप कर सकते हैं साल, इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वर्ष की शुरुआत में आप परिजनों के साथ घूमने जा सकते हैं, कहीं किसी ऐसे लंबे टूर पर जा सकते हैं। बच्चे आपके जो थोड़ा ग्रस्त चलने की तरफ बढ़ सकते हैं। जुलाई के बाद का समय संतान के लिए शुभ रहेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। मार्च और अगस्त माह में झगड़ों और बहसबाजी से आपको बचना चाहिए। देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी आपके परिवार भाव के ऊपर है। मई तक अप्रैल के लास्ट तक यानी एक मई तक बृहस्पति दृष्टि आपके परिवार भाव पर रहेगी, तो परिवार में एक मई तक आपका बड़ा खुशनुमा माहौल बनेगा। उसके बाद बृहस्पति जब अपना स्थान परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे, यहाँ बैठ करके ये जो शादी के जातक हैं उनके पीछे काफी समय से शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी का 100% रास्ता बनेगा और जो शादी योग्य जातक है उनकी शादी हो पाएगी। आगे सप्तम भाव से विचार करते हैं व्यापार के बारे में। तो सप्तम भाव बृहस्पति वहां जब मई के महीने से गोचर करेंगे तो आपके व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। साझेदारों से आपकी पटरी अच्छी बैठेगी और पति पत्नी के अंदर भी एक अच्छा प्रेम आपके पैदा होगा। तो बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है, सप्तम भाव में जब गोचर में आते हैं तो केंद्र है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। पति पत्नी में अच्छा तालमेल रहेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा आपका और साझेदारों से आपकी अच्छी पटरी बैठेगी। अगर कोई कानूनी आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो सप्तम भाव कानूनी पिछड़ों का भी होता है, उसमें आपको बृहस्पति लाभ देगी। और थोड़ा दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करते हैं। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण में वर्ष बढ़िया रहे, कारण क्या है कि राहु पंचम भाव में बैठा है। राहु जैसा ग्रह जब पंचम में बैठता है तो बढ़िया नहीं माना जाता है, मन में असंतुष्ट रहेंगे आप। राहु पंचम भाव पर प्रभाव डालते हुए आपकी लव लाइफ को अस्थिर करेंगे, स्थिर नहीं रहने देंगे, कंफ्यूज पैदा होगा और हो सकता है आपका ब्रेकअप भी हो जाए। आप अपने प्रेमी से ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं जो शायद व्यवहारिक ही ना हो। वर्ष की शुरुआत में आपका प्रेमी आपके ऊपर प्रभाव को लेकर दबाव दे सकता है। अप्रैल से जून के बीच में झगड़ा या प्रेमी जन की शारीरिक समस्या हो सकती है। जुलाई से सितंबर के बीच का समय वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं है और अक्टूबर के बाद विवाह के लिए स्थितियां शुभ नहीं है। तो ये पंचम भाव में राहु का बैठना आपके जो प्रेम संबंध है, आपके जो लव अफेयर है या आपका जो प्यार होता है किसी के प्रति, उसमें आपको दिक्कत आएगी। आप कपल्स के लिए बहुत दिक्कत बना सकते हैं, रिलेशन में भी आपको दिक्कत रहेगी और इसमें आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। बात करेंगे आपके एजुकेशन की और आपके करियर के बारे में। अगर हम आपके करियर की बात करते हैं तो ये जो साल है आपके बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। आपको वैकल्पिक शिक्षा का बेहतरीन लाभ आपको करियर में मिलने वाला है, जो आप पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं। जो लोग जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं या किसी परीक्षा में सफल होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया समय है। इससे आपका आत्मविश्वास मनोबल बढ़ा रहेगा। छोटे बच्चे जरूर पढ़ाई में भ्रमित हो सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य दूसरे विषयों की तरफ आकर्षित रहेंगे। जून जुलाई के बाद शिक्षा में आ रही बाधा दूर होगी, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार कार्य भी करा सकते हैं। बैंकिंग और अकाउंट्स क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए साल बहुत अच्छे रहने वाला है, क्योंकि बुध वर्ष के शुरुआत में आपके लग्न में बैठा है। तो बुध बैंकिंग का कारक होता है और शुक्र धन का कारक होता है। तो ऐसे जो लोग जिनका बैंकों से संबंध है या बैंक में जॉब करते हैं या कोई सरकारी नौकरी करते हैं और वहां जहां उनका लिखा पढ़ी का काम है, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि जातकों के लिए इस वर्ष का दिनमान गोचर एक बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। बाकी कुयोग की बात करें तो आपके कुंडली में इस समय आपके गोचर में 60% सुयोग का निर्माण है और 40% आपको कुयोग मिलेगा। कुयोग मतलब अच्छा समय 40% नहीं है और जो बुरा समय है वो आपका 60% है। तो इस अनुपात में हमसे आप थोड़ी सी अपनी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी का जो रूटीन है, उसको आप ठीक तरह बनाए। थोड़ा सा आप अपने मन से चिंतन करिए, मनोविकार थोड़ा अपना ठीक रखिए। सुख संपदा यश आपका मान सम्मान जीवन स्तर आर्थिक कोष की कमी आदि से थोड़ा असंतोष रहेगा आपको, लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ी कमी रहेगी।
पैसे का थोड़ा सा आना जाना रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी आपको, लाभ आमद थोड़ी सी आपकी इच्छा अनुकूल नहीं बन पाएंगे, यथासंभव अधिकारीगण मित्र बांधव सहयोगी ऐसा इन लोगों से आपका कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बुद्धि के लिए आप शनि मंत्र का धारण करते गुरुवार का व्रत रखना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है, अगर आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है तो आपके लिए उपाय क्या करना है वो आपको बताते हैं। बुधवार को चींटियों को आप आटा में शक्कर मिला करके रोजाना डालें और रोजाना घी का एक दिया अवश्य जलाएं। साल में हर शनिवार को कांसे की कटोरी में तेल का छाया पत्र करना है, छाया दान देना है आपने, और शनि शनि मंदिर में जाकर के आप काले तिल और जो सरसों का तेल होता है उसे शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए आपने वो तेल शनि के ऊपर चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सात मंगलवार या शनिवार कोई अगर आपके आसपास में कोई ब्लाइंड और स्कूल है या कोई कुष्ठ आश्रम है तो वहाँ पर सूखा अनाज या पका हुआ भोजन आप वहाँ उन लोगों को दान कर सकते हैं। ब्लाइंड स्कूल हो कोई या कोई कुष्ठ आश्रम हो या कोई वृद्ध आश्रम भी हो सकता है, अनाथ आश्रम भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप या तो सूखा भोजन दान करें या आप वहाँ पर पका के खाना तैयार करके उनको भोजन कराएं, आपको बहुत अच्छा आपके साथ समय व्यतीत होगा आपका। तो शनि एक्चुअली आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, हालांकि सस्योग बना करके बैठा हुआ है फिर भी शनि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, तो शनि जब अपने घर में बैठ के दृष्टि डालता है तो नुकसान आपको कम करेगा। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि जा रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा अवरोध तो पैदा होगा लेकिन आपको ज्यादा शनि परेशान नहीं करेगा। ये छोटा सा वर्ष पर 2024 का आपके लिए वृश्चिक राशि का पेश किया, कैसा लगा आपको इसके बारे में अपनी राय दें, कमेंट करें। हमारा प्रोग्राम है इसको आप जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन है उसको ऑन करें, वीडियो को देखें लाइक करें और अगर आपको अच्छा हमारा प्रोग्राम लगता है तो उसको अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लोज सर्कल में इसको आप शेयर करें। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।